हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रोमेट। आज मैं एक सोनी का ईयरफोन, उसका स्पीकर ख़राब हो गया था, तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे स्पीकर चेंज करते हैं, ये सब मैं आज को इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर से एक लाइक बटन दबा के जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देख लेते हैं। इसका जैक मैंने पहले भी एक बार रिपेयर किया था, ठीक है। तो पहले आपको जो स्पीकर आपका ख़राब हो उसको खोल लेना है। ये सोनी का है तो हर स्पीकर खोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो इसको मैंने खोल लिया है। खोलने के बाद हमको स्पीकर का रेजिस्टेंस चेक करना है। आप देख सकते हैं एकदम कोने पे एक मल्टीमीटर का डिस्प्ले आपको दिख रहा है, तो उसमें आपको दिखेगा इसका रेजिस्टेंस कितना है। आप देख सकते हैं इसमें रेजिस्टेंस करीब 16-17 के आसपास दिखा रहा है। तो रेजिस्टेंस 16-17 के आसपास दिखा रहा है, मतलब ये स्पीकर ख़राब है। ऐसा नहीं कि मतलब सभी स्पीकर रेजिस्टेंस 16-17 दिखाएगा तो ख़राब है। जनरली अगर कम रेजिस्टेंस होता है तो ख़राब होता है। मैं एक ऑल्टरनेट हेडफोन ले लेता हूँ, उसका एक स्पीकर मैं इसमें फिट करूँगा। एक लोकल ब्रांड का ईयरफोन है। पहले हमको उसका जो वायर है, कनेक्टेड वायर, उसको काटना है, उसके बाद खोलना है। मैं आपको एक ये हेडफोन जो है खोलने का अमेजिंग प्रोसेस दिखाऊंगा, जो आपको और किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे फंसा लेना है। हमारा पास जो, अगर आपके पास स्लाइड रेंज है तो इसको ऐसे फंसाना है और उसके ऊपर हल्के हाथों से हैमर से मारना है या कोई भारी चीज़ से मारना है, तो ये बीच से खुल जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए ये बीच से खुल गया, तो हम इजी तरीके से इसको ऐसे खोल सकते हैं। तो ये खोलने के बाद हम स्पीकर इसका निकाल लेंगे और स्पीकर एक बार चेक कर लेंगे। इसका रेजिस्टेंस करीब करीब 45 के बीच में होना चाहिए, देखते हैं कितना आता है। ये 42 मतलब ये ओके है, ये अच्छा चलेगा, ठीक है। आपके पास अगर मल्टीमीटर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई हेडफोन में आपका स्पीकर साउंड व्रिजलिंग हो रहा है या साउंड कम हो गया है या नहीं चल रहा है, तो आप स्पीकर चेंज करने से वो रेडी हो सकता है, अगर जैक से प्रॉब्लम ना हो तो। मेरे जैक रिपेयर का वीडियो भी अलग से बना हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाके विजिट करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत लोग प्यार दिया है उसमें। तो हम इसका जो सोल्डरिंग है वो खोल लेंगे, ठीक है। पहले तो पुराने वाला जो है उसको सोल्डरिंग खोल ले, उसके बाद नया वाला जो स्पीकर है, मतलब ऑल्टरनेटिव स्पीकर हम जो लगाएंगे उसको इसमें कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करना काफ़ी सिंपल है, जैसे खोलना है, मतलब जैसे आपको, मतलब खोलने इसके नेगेटिव पॉजिटिव कुछ होता नहीं है, तो जैसे आपको खोलना है वैसे ही लगाना है। देख रहे हैं आप मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। इसका जो दो तार है, दो तार को कनेक्ट कर देना है। ये हो गया, कनेक्ट होने के बाद आपको ये जो है फिट करना है, यही काम बाकी रह गया है, बस फिट कर लेने से ये रेडी हो जाएगा। ये फेविक्विक से मैं फिट करूंगा इसको, फेविक्विक से जोड़ना यही बेस्ट रहता है, फेविक्विक, ठीक है।
फेविक्विक मैंने दोनों स्पीकर को लगा दिया है। आपको ये बात ध्यान में रखना है जरूर, क्योंकि यह ध्यान में रखना है कि फेविक्विक से आप जब इसको जोड़ रहे हैं तो फेविक्विक ऐसे कोई चीज से हल्का हल्का लगाना है, ना कि ऊपर डाल देना है। अगर ऊपर डाल देंगे तो जाके स्पीकर जो है ब्लॉक हो जाएगा और आपका साउंड एकदम कम हो जाएगा, और हो सकता है कि स्पीकर ना भी चले। ठीक है, तो आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कुछ स्टिक किया, मैं यहाँ पे ब्लेड यूज कर रहा हूँ, आप ब्लेड यूज कर सकते हैं, ब्लेड से हल्का हल्का देना है। ठीक है, पूरा फेविक्विक नहीं डालना है, ये ध्यान पे रखिएगा। ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैं एक बार चला के देखता हूँ, देख के आपको बताता हूँ क्या साउंड ठीक हुआ है, क्या प्रॉब्लम था सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज यार, सब्सक्राइब तो कर लो। चलिए, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।